इंदौर नगर निगम ने वेस्ट सेग्रीगेशन के साथ ही गीले, सूखे व जैविक कचरे के पृथक पृथक निपटान के लिए कई अनूठी पहल की हैं। इंदौर शहर से प्रतिदिन 450 टन सूखा कचरा एकत्रित होता है, जिसे निपटान या रीसाइकलिंग के लिए ट्रांसफर स्टेशन से एक बड़े कैप्सूल वाहन में ट्रांसफर कर देवगुराड़िया स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड पर भेजा जाता है, जहां इसका वजन कर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है। यहां पर लगभग 500 रेक पिकर्स के माध्यम से सूखे कचरे से प्लास्टिक, पेपर, कार्टून, कपड़ा, ग्लास, लेदर, कार्डबोर्ड, मेटल स्क्रैप, पॉलीथीन, लकड़ी आदि को अलग अलग कर रीसाइक्लिंग एवं रीयूज हेतु उपयोग किया जाता है। इंदौर नगर निगम द्वारा 200 एवं 250 टन क्षमता के दो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी स्थापित किए गए हैं। इन दोनों मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी की कुल लागत 3,91,00,000 है। यहाँ विभिन्न मशीनों द्वारा इस सूखे कचरे को रिसाइकल किया जाता है, जैसे प्लास्टिक से मिट्टी हटाने हेतु फटका मशीन, प्लास्टिक की बारीक कटिंग हेतु श्रेडर मशीन, प्लास्टिक से गट्टा या प्लास्टिक रॉ मटेरियल बनाने हेतु इग्लो एवं गट्टा मशीन आदि। इन मशीनों द्वारा विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रतिदिन 25 से 30 टन पॉलीथीन को रिसाइकल किया जाता है, तथा बारीक कटे हुए प्लास्टिक को रोड बनाने में एवं सीमेंट प्लांट में ईंधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। साथ ही प्लास्टिक गट्टे का उपयोग प्लास्टिक पाइप्स एवं अन्य प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। इंदौर नगर निगम द्वारा 17 कबाड़ियों को मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी से जोड़ा गया है, तथा सूखे कचरे से निकलने वाले विभिन्न मटेरियल्स को वहीं पर खरीदने एवं स्टोर करने हेतु जगह उपलब्ध कराई गई है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कबाड़ियों द्वारा खरीदा गया मटेरियल प्रतिदिन रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स तक ही पहुंचे। इसके अलावा प्रतिदिन सेग्रीगेट किए गए कचरे की जानकारी एवं कबाड़ियों द्वारा रिसाइकलर्स को भेजे गए मटेरियल की कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग की जाती है, जिससे प्रतिदिन के सेग्रीगेशन व इससे प्राप्त मटेरियल्स का हिसाब प्राप्त हो सके। नगर निगम द्वारा अधिकृत संस्थान बेसिक्स की निगरानी में इस पूरी प्रक्रिया के अलावा कबाड़ियों के माध्यम से प्रतिदिन रेक पिकर्स को उनके द्वारा एकत्रित किए गए कचरे की मात्रा के अनुसार भुगतान किया जाता है। शुरुआत में कबाड़ियों द्वारा रेक पिकर्स को कैश में भुगतान किया जाता था, जिसमें सुधार करते हुए वर्तमान में सभी रेक पिकर्स के पहचान पत्र बनाकर बैंक खाते खुलवा दिए गए हैं, जिसके माध्यम से इन रेक पिकर्स को शीघ्र ही कैशलेस ट्रांजैक्शन द्वारा भुगतान की सुविधा मिलने लगेगी, तथा ये रेक पिकर्स डिजिटल ट्रांजैक्शन से भी जुड़ने लगेंगे। इस प्रकार इस पूरे मॉडल को फॉर्मल सेक्टर से जोड़कर रेक पिकर्स के शोषण को रोकना सुनिश्चित किया जाएगा। रेक पिकर्स कचरा बीनते थे और कई सारे चीजें उसमें से निकालते थे। हमने उनको ट्रेचिंग ग्राउंड पे एक व्यवसाय भी दिया है। उनको प्रतिदिन 500 से 1000 रुपया हम देते हैं और वे सभी चीज़ों का सेग्रीगेशन करते हैं। उनको व्यवसाय भी मिला और जिस तरह से उनको भटकना पड़ता था शहर में, सुबह सुबह 5 बजे थैला लेके छोटे बच्चों को लेकर बारिश ठंड में निकलती थी, तो हमने उन्हें वहाँ एक ही स्थान पर एक ही जगह पर उनको ये काम दिया है, ताकि वे अपना व्यवसाय भी देख सके और हमारा सेग्रीगेशन भी हो जाए।